गौथम शहर की एक सर्द रात, रोड पर सन्नाटा पसरा है। दिन में जिस सड़क पर पांव रखने की भी जगह नहीं होती है, वो आधी रात को सुनसान है। इंसान तो क्या किसी आवारा जानवर का भी नामो निशान नहीं है। इस सन्नाटे को चीरती हुई एक कार आगे बढ़ रही है। इस कार को गौथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट का एक डिटेक्टिव रिचर्ड कोर्टिस चला रहा है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा है। हाँ, मैं ग्लीसन स्टोरेज पहुंच चुका हूं, फिक्र मत करो, मैं डिपॉजिट कर दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। कार रुकती है। रिचर्ड अपने प्राइवेट स्टोरेज के सामने खड़ा है। वो स्टोरेज का दरवाजा खोल ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे से आती हुई कुछ कदमों की आवाजें सुनाई देंगी। ये किसी इंसान नहीं बल्कि किसी घोड़े के कदमों की आवाज है। रिचर्ड अपनी रिवॉल्वर निकालेगा और पीछे मुड़ेगा। वो पीछे मुड़ के देखेगा कि घोड़े पर एक आदमी पुलिस की ड्रेस में बैठा है, लेकिन उसे देखते ही रिचर्ड के चेहरे की रंगत उड़ जाएगी। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, उसकी आवाज लड़खड़ाने लग जाएगी। जैक, तुम तो मर चुके हो। घोड़े पर बैठा वो आदमी मुस्कुराएगा और कहेगा कि हाँ, और अब तुम भी मरने वाले हो। वो गोली चलाएगा और गोली सीधा रिचर्ड के हाथ पे पड़ेगी। रिचर्ड की रिवॉल्वर दूर जाके गिरेगी। अगले ही पल घोड़े पे बैठा वो पुलिस वाला अपनी तलवार निकालेगा और एक जोर से वार करेगा। वार इतना तेज होगा रिचर्ड की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। अगली सुबह गौथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने रिचर्ड के लिए एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां और गौथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स आए हैं। इस फ्यूनरल में ब्रूस वेन भी आया है, जो इस मर्डर केस को लेके थोड़ा सा परेशान है कि आखिर किसने रिचर्ड को मारा। ब्रूस कई सालों से रिचर्ड के ऊपर नजर रख रहा है, क्योंकि ब्रूस को शक था कि रिचर्ड कुछ उन गौथम सिटी के डिटेक्टिव में से है जो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हैं और गवर्नमेंट का पैसा खाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बैटमैन अब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिचर्ड मारा जा चुका है। इस फ्यूनरल में कई सारे ऑफिशियल्स आए हुए हैं, बड़े बड़े नामी, तो ब्रूस वेन को शायद ऐसा लगता है कि रिचर्ड का जो कत्ल है ये शायद आखिरी कत्ल नहीं होगा, शायद ये किसी आने वाले तूफान का आगाज है। ब्रूस वेन अपने ईयर पीस को लगाएगा और वहां पे मौजूद लोगों की बातें सुनने की कोशिश करेगा। हम देखते हैं कि दो डिटेक्टिव एंथोनी और डिटेक्टिव मार्क कमिश्नर बुलक से बातें कर रहे हैं। वो दोनों कमिश्नर बुलक से कहते हैं कि आपने जो हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया। कमिश्नर बुलक कहेगा कि इसमें शुक्रिया की क्या बात, उसने जो भी किया वो पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत के लिए किया। यहां पर डिटेक्टिव एंथोनी ये कहेगा कि वो कल रात रिचर्ड से बात कर रहा था और रिचर्ड ने बताया था कि डिपॉजिट कंप्लीट हो गया है और वो स्टोरेज में उस डिपॉजिट को रखने ही जा रहा था, लेकिन पता नहीं किसने उसका कत्ल कर दिया। ये सब बातें ब्रूस के गले से नहीं उतरेंगी, कैसा डिपॉजिट और कमिश्नर बुलक ने इन डिटेक्टिव्स की क्या मदद की और रिचर्ड जिसका कल रात कत्ल हुआ है वो डिटेक्टिव एंथोनी से क्या बातें कर रहा था, ये सब चीज़ें ब्रूस वेन को परेशान करने लगेंगी। इसीलिए जैसे ही रात का वक्त होगा वो बैटमैन की कॉस्ट्यूम में दोबारा उसी कब्रिस्तान में आएगा। बैटमैन के पास एक नया गैजेट है जिससे वो अपनी सराउंडिंग्स का एक्सरे स्कैन ले सकता है। बैटमैन अपने एक्सरे डिवाइस से रिचर्ड की ग्रेव को स्कैन करेगा। उसे दो चीज़ें दिखेंगी, पहली रिचर्ड के हाथ पे एक गोली का निशान है और दूसरा उसकी गर्दन को धड़ से अलग किया गया था। उसकी बैकबोन की बोन नंबर C1 और बोन नंबर C2 के बीच में काफ़ी बड़ा जख्म का निशान है। बैटमैन पुलिस स्टेशन जाएगा और उन चीज़ों का मुआयना करेगा जो रिचर्ड की लाश के पास से मिली थी। यहाँ पे उसे वो गोली भी मिलेगी जो रिचर्ड के हाथ में लगी थी। ये गोली दरअसल एक 357 रिवॉल्वर से चलाई गई थी, जो आज से 20-30 साल पहले गौथम सिटी के पुलिस ऑफिसर्स इस्तेमाल करते थे। अब इन गोलियों का इस्तेमाल रोक दिया गया है और शायद ब्लैक मार्केट में भी ये गोलियाँ नहीं मिलती हैं। तो आखिर
इतनी पुरानी पुलिस वाले की गोली रिचर्ड की बॉडी में कहां से आई? अगली सुबह गॉथम सिटी के एक जज का कत्ल हो गया है और उसे भी बिल्कुल उसी तरीके से मारा गया है, उसके सर को धड़ से अलग किया गया है। बैटमैन क्राइम सीन पर पहुंचता है। यहां पे कमिश्नर बुलक, जो शायद बैटमैन को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता है, वो बैटमैन को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। बैटमैन कमिश्नर बुलक की तरफ देखेगा और कहेगा, कमिश्नर तुम क्या सोचते हो कि तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे और सोचोगे दुनिया में अंधेरा हो गया? अगर तुम ऐसा सोचते हो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ये लाशों का ढेर इतनी आसानी से नहीं रुकेगा और रिचर्ड और इस जज की खून के बीच में कोई ना कोई करेक्शन जरूर है। बैटमैन की ये बातें सुन के कमिश्नर बुलक की जबान लड़खड़ा जाएगी। वो बैटमैन से कहेगा, दफा हो जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर मैंने दोबारा तुम्हें देखा तो तुम्हें गोली मार दूंगा। बैटमैन जाते वक्त कहेगा कि नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। रात का वक्त, डिटेक्टिव मार्क फोन पर डिटेक्टिव एंथोनी से बात कर रहा है। वो डिटेक्टिव एंथोनी से कहता है कि मुझे शक है कि अब हमारी बारी है। ये जो भी आदमी कत्ल कर रहा है शायद इसके अगले शिकार हम हैं, इसलिए मेरी बात मानो और जितना जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ के चले जाओ। डिटेक्टिव मार्क अपनी बाइक पर बैठेगा और फुल स्पीड में अपनी बाइक को दौड़ा के जल्दी से जल्दी गौथम शहर की सरहद से बाहर निकलना चाहता है। वो बाइक चला के शहर के थोड़ा बाहर निकला ही होगा कि उसको पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देगी। ये किसी घोड़े की कदमों की आवाज़ है। वो पलट के देखेगा तो जैक अपने घोड़े को चला के उसकी बाइक का पीछा कर रहा है। मार्क की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो कहेगा, जैक तुम तो मर चुके हो। जैक कहेगा कि हाँ, और तुम भी मरने वाले हो। वो पूरी ताकत से अपनी तलवार चलाएगा और डिटेक्टिव मार्क का सर धड़ से अलग हो जाएगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एंथोनी, जो बार बार डिटेक्टिव मार्क को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिटेक्टिव मार्क बहुत देर से फ़ोन नहीं उठा रहा है। एंथोनी बहुत ज़्यादा कहें तो फ्रस्ट्रेट होने लग रहा है कि आखिर ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आएगा डिटेक्टिव मार्क का। वो कॉल को उठाएगा लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज़ है वो मार्क की नहीं है। मार्क मारा गया है और अब तुम्हारी बारी है, इसलिए पुलिस ऑफिसर जैक के केस से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स थी और उसकी जितनी भी केस स्टडीज हैं उनको लेकर गौथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के तबेले तक पहुंचो, और ज़रा सी भी देर अगर तुमने की तो तुम्हारे परिवार को जिंदा दफना दूंगा। डिटेक्टिव एंथोनी डर के मारे थर थर काँप रहा है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे इस शख्स की बात माननी ही पड़ेगी। वो पुलिस ऑफिसर जैक के केस से रिलेटेड फाइल्स ऑडियो टेप्स लेके गौथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के स्टेबल जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है वहाँ पे पहुँचेगा। वो वहाँ खड़ा ही होगा कि उसे दिखेगा कि एक घोड़ा स्टेबल के अंदर दाखिल हुआ है। उस घोड़े पे एक आदमी बैठा है जो पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में है। उसका चेहरा जैक से मिलता है। जैक तुम तो मर चुके हो, मैंने खुद जैक को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है, तुम जैक नहीं हो सकते, कौन हो तुम, अपना असली चेहरा दिखाओ। वो आदमी अपना मास्क उतारेगा और कहेगा, मैं स्टीवन हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर जैक का बेटा हूँ। मेरे पिता एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने ये पता कर लिया था कि तुम और तुम्हारे साथी ड्रग ट्रेड और करप्शन से जुड़े हुए हो, लेकिन तुम लोगों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए मेरे पिता को ही झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया और जज को खरीद के इस ड्रग ट्रेड का इल्ज़ाम भी मेरे पिता पर लगा दिया। मेरे पिता ये बदनामी नहीं सह सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। और तुम एंथोनी, तुम ही मास्टरमाइंड थे इस पूरे प्लान के, इसलिए मैंने तुम्हें आखिरी के लिए छोड़ा और तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। तुम्हारे सर को धड़ से अलग नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। बैटमैन इस स्टेबल के अंधेरों में छुपा हुआ इन बातों को सुन रहा था। दूसरी तरफ स्टीवन अपनी बंदूक ताने का एंथोनी को गोली मारने के लिए, लेकिन बैटमैन उसे ऐसा नहीं करने देगा। वो कई सारे बैटरैंग्स फेंकेगा स्टीवन के ऊपर और उसका निशाना चूक जाएगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एंथोनी, जो अपने साथ एक शॉर्ट गन लाया होता है, वो अपनी शॉर्ट गन की तरफ जाएगा, लेकिन बैटमैन उसे कहेगा कि कोशिश भी मत करना। लेकिन डिटेक्टिव एंथोनी उसकी बात नहीं सुनेगा, वो शॉर्ट गन उठाएगा। बैटमैन कई सारे टेजर्स डिटेक्टिव एंथोनी की तरफ मारेगा और डिटेक्टिव एंथोनी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाएगा। इस मौके का फायदा उठा के स्टीवन अपने घोड़े पर बैठ के वहां से भाग निकलेगा।
लेकिन बैटमैन स्टेबल से एक घोड़े को लेगा और उस पर बैठ के पीछा करेगा स्टीवन का। स्टीवन पब्लिक प्लेस में घुस जाता है, बैटमैन उसका पीछा कर रहा है। स्टीवन बैटमैन की तरफ गोलियां चलाता है। बैटमैन उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सिविलियंस की जान को मुसीबत में डाल रहे हो, रुक जाओ। स्टीवन कहेगा कि नहीं, जब तक वो अपने पिता की बेगुनाही साबित नहीं कर देगा वो नहीं रुकेगा। बैटमैन अपनी ग्रेपल गन उठाता है और स्टीवन की तरफ वार करता है। ग्रेपल गन पूरे तरीके से स्टीवन की बॉडी पर लिपट जाती है और बैटमैन उसे उठा के घोड़े के नीचे गिरा देता है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ स्टीवन। स्टीवन कहेगा कि उसने ये सब किया केवल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किया, वो अपने पिता को निर्दोष साबित करना चाहता था। बैटमैन कहेगा तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इंतकाम लेने का जो रास्ता तुमने चुना वो गलत है। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वो तुम पर शर्मिंदा होते। अगली सुबह बैटमैन अखबार पढ़ रहा है। वो टीवी की तरफ देखेगा तो उसे पता चलेगा कि गॉथम सिटी में मेयर के दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं और नए नए कैंडिडेट्स आपके नए नए वादे कर रहे हैं कि वो गॉथम में किस तरीके से बदलाव लेके आएंगे। ब्रूस वेन ये देख के मुस्कुराएगा और कहेगा लोग बदलते हैं लेकिन वादे वही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आया शहर में। गॉथम बुराई के दलदल में और ज़्यादा धंसता जा रहा है। वो कई साल से क्राइम फाइटिंग कर रहा है लेकिन शायद 1% भी बदलाव नहीं लाया शहर में। लेकिन तब भी वो रुकेगा नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी बदलाव ले आए शहर में और शहर को थोड़ा सा भी सुधारने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब उसकी ये जंग कामयाब रही। और यहीं पर बैटमैन की छोटी सी डिटेक्टिव स्टोरी का एंड हो जाता है।